फातिमापुरी के बाद चलते हैं साउथ दिल्ली। साउथ दिल्ली का नाम आते ही दिमाग में उमड़ आती है बड़े बड़े मॉल्स और बड़े लोगों की तस्वीर, लेकिन साउथ दिल्ली में ही आता है संगम विहार, जहां पर शायद दिल्ली में सबसे ज्यादा पानी की समस्या है। दिल्ली के संगम विहार इलाके में हैं हम, और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे यहाँ के लोग प्यासे हैं, कैसे जल माफियाओं का यहाँ पे कब्जा है। दिल्ली की दोपहरी में जहाँ हम और आप घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करेंगे, वहीं मेरे पीछे देख सकते हैं कि कुछ औरतें पानी भर रही हैं, मजबूरी है उनकी। आइए उन औरतों से बात करते हैं जो इस दोपहरी में पानी भर रही हैं। अच्छा ये बताइए, अभी पानी भर रही हैं आप इतनी धूप में, शाम को नहीं भरती हैं? शाम को ही भरते हैं, इधर भरते हैं, भरने नहीं देते हैं, खाली रहता ही नहीं है, भरते कहाँ पर, दोपहर को भी खाली नहीं रहता है। कहाँ से आई हैं आप पानी भरने? हम तो दूर दूर से आए, सब यहाँ के कोई नहीं है, कोई दूर दूर ये यहाँ। दूर से मतलब एक ही नल है क्या? ये नल है, देते नहीं है 20-20 दिन तक, 15-15 दिन तक पानी नहीं देते। 15-15 दिन तक पानी नहीं आता? 20-20 दिन तक 15-15 पानी नहीं आता। पानी की एक टंकी और जिस पर लगी है कई बोतलों की कतार, पानी भरने की जद्दोजहद में हो रही है धक्का मुक्की। ये पानी ही है जिसके लिए महिलाएं एक दूसरों पर गालियों के बाण चला रही हैं। जैसे ही हम संगम विहार पहुंचे, वहां रहने वाले लोगों ने कैमरे और माइक को देखते ही सरकार को कोसना शुरू कर दिया। और मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं आप, वो किसी मीडिया के कैमरे के कारण नहीं है, ये भीड़ है अपनी समस्या को बताने के लिए, और ये भीड़ है अपनी समस्या को आपको बताने के लिए, लोगों को बताने के लिए, ताकि इन्हें आगे से इन पे सुनवाई हो और भविष्य में इनको पानी की समस्या से जूझना ना पड़े। हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों से जो यहाँ रहते हैं और काफ़ी दिनों से पानी की समस्या को लेकर ग्रसित हैं, पानी यहाँ पे आता नहीं है, और बात करेंगे और जानेंगे कि संगम विहार गली नंबर 3 में लोग रहते कैसे हैं। एक तरफ यहाँ से हर 5 मिनट पे प्लेन जरूर उड़ते हुए दिखती है, लेकिन जमीन पे जो प्रगति है, जो विकास है, वो कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है। 1200-1200 के, 1000-1000 रुपए के टैंकर लेकर आ रहे हैं, हम लोग रोज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, पीने का पानी नहीं मिल रहा हमें, 30-30, 40-40 रुपए की बोतलें ले रहे हैं, कहाँ तक हम इतना अफोर्ड करेंगे? मेरा बच्चा तो फिर भी दिमागी तौर पे विकलांग है, मैं दवाइयाँ उसकी करूंगी कि मैं पानी के पीछे खर्चा करूंगी? हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है, 25-30 दिन से ज्यादा हो गए हैं हम लोगों को, जिसको जाके बोलो वो कहते हैं कि जाइए विधायक के पास जाइए, शीला दीक्षित के साथ जाइए, हमारा काम नहीं ये, नहीं सीएल गुप्ता यहाँ पे विधायक है, हाय हाय मैं तो कहूंगी इस बार बस, और क्या बोलना है, मेरा तो वोट ही नहीं देना मैंने, बस गली वाले तो कोई वोट नहीं देगा, कोई नहीं वोट देगा, क्योंकि इस गली के अंदर सावरन ने मंगाया, मैंने 3000 का टैंकर मंगाया 2 दिन के अंदर अंदर, और मेरे घर में शादी है, पानी के लिए बोलने जाओ तो कह रहे जिसको जो करना है वो कर ले, हमारे पास पानी शादी में तो पानी की ज्यादा, मेरे सारे मेहमान ऐसे बैठे हुए बिना नहाए धोए, मेरे को 2 बार टैंक मंगाना पड़ गया, 1500-1500 का 2 दिन में 3000 का पानी मंगाया, मैं शादी में पैसा लगाऊंगी कि पानी में पैसा लगाऊंगी? जो पाइप डाला हुआ है 4 नंबर में मेन रोड में, इधर है ना, उसमें कोई पानी नहीं है, पैपे डाल दिए, करोड़ों रुपए का पैसा लगा दिया लेकिन पानी नहीं है, ठीक है कि नहीं? शीला दीक्षित के पास जाओ तो वो कहती है उसके पास जाओ, वो कहता है उसके पास जाओ तो वो कहता है उसके पास जाओ, कागज के फर्रे दिखाते हैं कि जी ये हमने ये किया वो किया, ठीक है वो कागजों में ही तो है ना। पानी की कमी यहाँ इतनी है कि ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये एक बानगी भर है। इस छोटे से नल पर अगर ये 2 लीटर की बोतल एक बार भर जाए तो ये किसी जंग जीतने से कम नहीं है। ये महिला इतनी देर से बड़बड़ा रही है क्योंकि इसकी 4 बोतल भर चुकी है और 5वीं बोतल भरने में दिक्कत हो रही है। ये दिक्कत यहाँ के लोगों के लिए आम हो चुकी है और ये लोग इस तरह से रहने को मजबूर हो चुके हैं। डब्बों की लाइन को देख रहे होंगे आप, और ये उस विकसित भारत की तस्वीर है, उस विकसित दिल्ली की तस्वीर है, शीला दीक्षित की दिल्ली की तस्वीर, जिसकी सच्चाई आपको इन लाइनों में दिख जाएगी। दिल्ली की मूलभूत समस्याओं में से एक, दिल्ली वालों को पानी कितना नसीब होता है, ये हम दिखा रहे हैं आपको। और संगम विहार के इस इलाके में आप देख सकते हैं कि लोगों से ज़्यादा डब्बों की लाइनें हैं यहाँ पे। पानी के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, लोग अपने 3-4 घंटे पानी के पीछे बर्बाद करते हैं। आइए बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो जिनके डिब्बे इस लाइन में लगे हुए हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन डिब्बों में पानी भरा जाएगा, यानी कब उनका उनके डिब्बों का नंबर आएगा।
कब से है ये पानी की समस्या? ये पानी की समस्या तो कम से कम 15 साल से है जी। पहले जब शुरू में हमने मकान 25 साल पहले बनवाया था, 50 फुट में पानी था, अब वाटर लेवल नीचे चला गया, उस हिसाब से फिर हमारे प्राइवेट बोर या लगाना पैसे की सामर्थ्य नहीं रही, तो ये इन्होंने सरकारी बोर करवाए। तो कितने कितने फुट पे है यहाँ पे पानी? 400-500 फुट पे होगा। 400-500 फुट पे? हाँ, 400 फुट पे। आप कहाँ हैं? 650-600 फुट पे। तो पानी की समस्या बरकरार है तब से? पानी की समस्या तो अब तो इतना है जी कि हम अपनी तौलिया बगैर के अपना शरीर पहुँचते हैं, पानी के लिए इंतजाम करते हैं, बर्तन धोने के लिए भी इंतजाम है, और नहाने धोने को तो अपना शरीर पहुँचते हैं। महाराष्ट्र में करीब 40 साल बाद सूखा आया है, लेकिन दिल्ली में सूखा तो नहीं, लेकिन पानी के लिए हाहाकार जरूर मच गया है। पानी के लिए यहाँ आए दिन झगड़े भी होते रहते हैं। पिछले दिन अगर दिल्ली में कहीं पानी की किल्लत है तो वो संगम विहार है। संगम विहार नाम तो संगम है, लेकिन संगम की तरह यहाँ 3 नदियाँ नहीं मिलती। लेकिन पानी की 3 टैंकर आ जाए तो इन लोगों के लिए किसी गंगा जल से कम नहीं है। ये लड़कियाँ सुबह 6 बजे उठती हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं बल्कि अपनी बाल्टी को पानी की कतार में लगाने के लिए। लेकिन बदकिस्मती तो देखिए, 4 घंटे बाद भी इन्हें खाली हाथ ही घर जाना होगा, क्योंकि ये 2 नंबर गली से आई हैं और पानी पहले 1 नंबर गली वालों के लिए भरा जाएगा। सुबह एक पानी के लिए बर्तन लेके बैठे हुए हम यहाँ पर। हाँ। और अभी तक अभी अब नंबर आया सुबह 5 बजे से, और अब भी भरा नहीं जा रहा पानी। देखो यहाँ पे पानी नहीं भरा जा रहा, कहाँ गया पानी? भरा जा रहा पाइप हो रहा। और पानी भी आया था तो वो भी 15 दिन बाद आया था। वो 15 दिन पानी 15 दिन के बाद आया। हमारे यहाँ तो पानी नहीं आता, 2-2 महीने हो जाते हैं, 1 महीने हमारी लाइन भी काट दी पानी की। अच्छा, कहाँ से आई वो पानी भरने के लिए? 2 नंबर की गली से। ये 3 नंबर गली है। करीब 15 दिनों से घर में पानी नहीं आया है, इनकी पानी की लाइन भी काट दी गई है। मुसीबत चारों तरफ से है। अब ये लोग नेता विधायकों को कोस रहे हैं, करे भी तो क्या करे। जैसे विदेशी सैलानियों के बारे में कहा जाता है कि अगर इंडिया आए और ताजमहल नहीं देखा तो क्या इंडिया आए, वैसे ही संगम विहार के लोग कहते हैं अगर संगम विहार आए और बोरवेल के दर्शन नहीं किए तो क्या संगम विहार आए। इसलिए हम भी निकल पड़े बोरवेल महाराज के दर्शन के लिए। लेकिन ये क्या, बोरवेल महाराज के तो तार ही काट दिए गए हैं। और चलते चलते हम आपको दिखा दें कि ये बोरवेल गली नंबर 3 के लिए जमीन में गाड़ा गया था, इससे गली नंबर 3 के लोग पानी अपनी पानी की प्यास बुझाते थे। मैं आपको दिखा दूं कि इसका तार काट दिया गया है और इसे बंद कर दिया गया है, जिससे गली नंबर 3 के सभी लोग पानी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। बोरवेल का तार काट दिया गया है। हाँ। किसने काटा है पहले तो ये बताओ। ये बताओ, ये 2 नंबर गली के आया होता है, ठीक है ना, और 2 नंबर वाले आए यहाँ, बोले तार काट दो। इस बोरवेल का कनेक्शन काट दिया गया। हाँ। तो आप लोग यहाँ के जो लीडर हैं, जो नेता जी हैं, उनके पास नहीं गई अपना दुखड़ा देने के लिए? हम लोग गए थे लेकिन हमारी कोई मतलब कुछ भी सुना नहीं, बोलने ही नहीं दिया हमें। कहा क्या? ये बोला कि बोला आप लोग ज्यादा हंगामा करोगे तो हम चाबी ले लेंगे, तो जगह जगह टोंटी लगा देंगे जिससे आप भरते रहना। फिर इस परेशानी की वजह से हम लोग चुप हो गए। तो हमने हमारे लड़के मेहरोली से भर के लाते हैं, काम छोड़ के जाते हैं, मेहरोली से भर के लाते हैं। पानी की इतनी परेशानी है कि नहा भी नहीं सकते, इतनी बदबू आती है, बीमार हो जाते हैं। इन लोगों ने कई बार अपने विधायक से भी शिकायत की, लेकिन विधायक जी उस पानी से भी ज्यादा बुरे निकले, जो कम से कम 15 दिन में दर्शन तो दे देता है। चलते चलते लगा कि हमने अपना पूरा काम कर लिया, लेकिन संगम विहार से बाहर भी नहीं निकले थे। लेकिन दिल्ली के इस चुनावी साल में कुछ लोग सफेद कुर्ता पैजामा पहनकर पानी के लिए अनशन पर बैठे दिखाई दे दिए। क्यों बैठे हैं आप अनशन पे और कब तक बैठेंगे? सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जितने भी सरकारी बोर हैं वो क्षेत्रीय विधायक और जल बोर्ड के आला अधिकारियों से मिली भगत करके यहाँ पर जल माफियाओं ने कब्जे कर रखे हैं, और वो अपनी मन मर्जी से 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने में पानी देते हैं। तो वो एक सड़ा गला पानी हमें पीने को मजबूर करते हैं, जबकि क्षेत्रीय विधायक खुद डॉक्टर हैं, उनको ये पता होना चाहिए इतना दूषित जल जनित बीमारियां अगर पैदा हो जाएंगी तो यहाँ तो महामारी जैसी स्थिति हो जाएगी। तो हमारी जो मांगे हैं वो ये है कि समस्त सरकारी जो ट्यूबवेल हैं उनको जल माफियाओं से मुक्त कराया जाए, और दूसरे सरकारी कर्मचारियों से जल वितरण कराया जाए। कितने दिन हो गए आपको किस यहाँ पर? यहाँ दूसरा दिन चल रहा है मेरा। दूसरा दिन चल रहा है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं? हाँ, अभी तक कोई नहीं आया, बाकी एक दो उन्होंने
बात करने के लिए जलबोर्ड वाले दो एक खड़े रहे इधर पीछे साइड में, ये बात करके रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जासूसी का काम कर रहे हैं। अच्छा एक बात समझ रही थी आप, जब भी कोई सफेद कुर्ता पहन के अनशन पे बैठता है तो एक समझ में एक बात निकल के आती है, लोग ये समझते हैं कि अपने फायदे के लिए या फिर अपनी राजनीति साधने के लिए लोग बैठे, मतलब अनशन पे बैठे, क्या यहाँ पे क्या है सच्चाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो हम किसी पार्टी की बैनर तले बैठते। कहिए कि ये समस्या कितनी गंभीर है? समस्या गंभीर इतनी है कि वो खुद बहुत भुक्तभोगी हूँ। मेरे घर में अभी भी दो बच्चे बीमार पड़े हुए हैं सड़क वाला पानी पी करके, और यहाँ के हमारे जो MLA हैं वो एक डॉक्टर हैं, वो बत्रा हॉस्पिटल में सर्विस करते हैं, उनको यहाँ की जनता की कोई चिंता नहीं है। जनता चाहे नरक में जाए लेकिन वो अपना सर्विस में मस्त रहते हैं। और पानी की समस्या इतनी है कि 1.5 महीने के अंदर पानी देते हैं, अब कितना स्टोर करेगा आदमी, स्टोर के इतने उस पर साधन भी नहीं जुटा पाएगा क्योंकि सब लोग नॉर्मल गरीब आदमी हैं, हम खुद नहीं जुटा पाए। अब 1.5 महीने के बाद जब पानी आएगा तो उसके अंदर 1.5 महीने के इतने कीटाणु हो जाते हैं कि आदमी उसे पी नहीं सकता, छान छान के पीता है पानी। ऐसी चीज़ें खरीद के तो हम गरीब आदमी नहीं पी सकते। अब इस गांधीवादी देश में आखिरी चारा भी तो यही है, अगर सरकार तक अपनी बात पहुंचानी है तो अनशन और कुछ मीडिया के कैमरे अगर नेताजी को कवर कर ले तो समझिए कि अनशन सफल हुआ। चाहे अनशन का मुद्दा सफल हो न हो, नेताजी तो सफल हो गए। मिलेंगे अगले हफ्ते एक और मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक जय हिंद।